सो गाइस, मैंने अपनी नो फैप की जर्नी थी वो 8 मार्च से स्टार्ट की थी। नो फैप की जर्नी मीन्स मैंने सब कुछ मतलब मास्टरबेशन वगैरह सब बंद कर दिया था 8 मार्च से। और आज है 9 मई, आज की डेट है 9/5/2021। तो मतलब मुझे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने मतलब बेसिकली 70 डेज़ हो गए हैं, 70 डेज़ के आसपास हो गए हैं मुझे। सो इतना फैपिंग की वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। सो अब छोड़ो यार, मैं से ये सब लास्ट में बताऊंगा, जब ये मेरी जर्नी एंड हो जाएगी तब मैं बताऊंगा मेरे में क्या चेंजेस आए, क्या थे, मैं पहले क्या था, क्या चेंजेस मैं अपने आप में फील करता हूँ, ये सब मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये जर्नी हमारी एंड हो जाएगी। 22 पूरा कंटिन्यू रखूंगा अपनी नो फैप जर्नी को, ये मैंने डिसाइड किया है। और लास्ट में मैं अपना मतलब क्या चेंजेस मेरे में आए ये आपसे रिवील करूंगा। 8 मार्च से जो मेरा मतलब मास्टरबेशन का गैप है, 8 मार्च से लेकर 9 मई तक, मतलब 2 महीना मतलब 70 डेज का जो गैप है, इसने मतलब कमाल ही कर दिया है। इससे मतलब मुझे थोड़ा बहुत अच्छा क्या बताऊँ, मतलब फेस पे ग्लो सा ले आई है। होते हैं ना डार्क सर्कल आँखों के नीचे आ जाते हैं, वो सब हट रहे हैं, कमाल की ग्लो ले आई, मतलब जो बचपन में होती है, मतलब बच्चा तो कुछ खास लग नहीं रहा है। हो सकता है मेरी फ्लैट लाइन चल रही हो, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा लगता नहीं, मतलब डिप्रेशन टाइप का रहता है। मैं ये डिप्रेशन वाला फेज तो चल ही रहा है। कल रात पार्टी थी, दोस्त लोग बुला रहे थे, कल मतलब दोपहर से शाम तक फ़ोन आता रहा, मतलब पार्टी करनी है। पार्टी में मतलब वही सब, दारू वगैरह, चिकन वगैरह, नमकीन वगैरह खा ली, और भी कुछ ऑर्डर करते रहे, ढाबे वगैरह पे चले गए, ये सब चलता रहता है। पर मुझे कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था तो मैं नहीं गया। फिर वहाँ पे जाके मतलब 2-3 हज़ार का खर्चा, फिर वो सब पार्टी करना, मतलब वहाँ पे जाके मज़े करना, दोस्तों के साथ रहना, वो सब मतलब अच्छा लगता था पहले, वो सब मन ही नहीं कर रहा अब। मतलब अब मैं सोचता हूँ मतलब ज़िंदगी में कुछ आगे निकलना चाहते हैं तो कुछ मतलब नया करना चाहिए, मतलब नया करना का दिमाग में आता रहता है ख्याल। ऐसा भी मतलब एक फेज आएगा लाइफ में जिसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में मतलब डिप्रेशन होगा, मतलब अनकंट्रोल रहोगे आप भी, पर इसे हैंडल करना भी ज़रूरी है, मतलब इससे बाहर निकलना भी ज़रूरी है। मतलब कल के दिन आपके भी बच्चे होंगे, मतलब जिस दलदल में आप फंसे हो, आप नहीं चाहोगे तो उसी दलदल में आपके बच्चे भी फंसे रहे हैं, तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ये मतलब एक अच्छा डिसीजन भी है, मतलब उससे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता था। सो आप भी कंटिन्यू करिए और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू गाइस।